लंच भेजा है मम्मी ने। चलो आ गए तो दुकान में बैठो, बैंक जाना है मुझको। पर पापा ध्यान रखना इसका। एक टाटा स्काई का डेली रिचार्ज देना। छोटू हाँ, ये तो वाउचर है जी, आपका फोन नंबर दीजिए, मैं कर देता हूँ। अरे भैया पर ये तो इन्हीं के फोन से होगा ना, तो फोन दे दो। इट्स ओके, आई नो व्हाट टू डू, थैंक्स। नीलू नाम है, नए नए शिफ्ट हुए हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आई तो नहीं? अब आ गई। हेलो जी। ये काम नहीं कर रहा। कोई नहीं, दूसरा ले लो। छोटू दूसरा दे। कौन से नंबर से मैसेज किया था जी? मैं बात कर रहा हूँ ना, तू दूसरा दे दे। हाँ जी। अब मेरे नंबर से। नंबर क्या पता? 8715836। रजिस्टर्ड नंबर है? नहीं, वो तो पापा का नंबर है। तो उनके नंबर से करो ना जी, सही काम करेगा। ओके। पापा के नंबर से। अब वो लास्ट टू डिजिट्स। जीरो सिक्स। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो जी। हाय। आपका नाम नीलू है ना? तो आपको मेरा नाम पता है? हाँ, वो छोटू ने। क्यों नहीं पता होना चाहिए? हाँ, ये आपका डेली रिचार्ज। और जी हाँ, मेरा नाम मनु है। आई नो। आपका तो सभी कुछ आई नो ही होता है जी। नहीं कोई नहीं जी, कल दे देना, कल तो आप आएंगे। आएंगे ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो नीलू। हाय। वो आप दो दिन आए नहीं, आपको बुरा तो नहीं लगे ना उस दिन रास्ते में आपको ऐसे मिले? परसों आपके यहाँ पे लाइट थी? नहीं तो। ओह करेक्ट। और कल? कल मेरी छोटी बहन का एग्जाम था, इसलिए टीवी ही नहीं चलाया। भैया आपने यूं ही दो दिन टेंशन में निकाल दिए। हाँ नहीं तो। देखते हैं आगे क्या होता है। टाटा। अरे पापा, मैं करता हूँ। हो गया। सुनी नगर जो आज अभी यह है सामान की लिस्ट, और टेम्पो में सामान लाद के लाना। अंकल ये चार फुसफुसा दो नंबर की बैंगल और लिख लो। और कुछ? हाँ जी। अंकल जी वो मनु भैया श्रीनगर गए हैं ना? हाँ। देखो क्या चाहिए। नहीं इट्स ओके, मैं बाद में आती हूँ। अंकल जी मनु भैया शाम को आ जाएंगे। चल अपना काम कर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाय नीलू। हाय। वो पापा दुकान में है। एक्चुअली कल पापा ने मुझे श्रीनगर भेज दिया तो मैं तो हम एक दिन नहीं मिले तो कुछ नहीं। एक दिन नहीं मिले तो? वैसे भी मैं रिचार्ज लेने ही आती हूँ, और कल ना मेरी छोटी बहन का बर्थडे है, तो कल भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं? बाय। बाय द वे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई ना? बाय। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जी बेटा। इट्स ओके अंकल जी, मैं बाद में आती हूँ। यहाँ छोटू, ये लड़की बार बार बोलती है मैं बाद में आती हूँ। पता नहीं अंकल जी।
मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई मैडम। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा सुनो, मार्केट जा रहा हूँ मैं, ब्रेड दूध अंडा चावल और शैम्पू लेता आऊंगा। और पापा टाटा स्काई का डेली रिचार्ज भी। छोटी पापा 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 पापा, ब्रेड दूध अंडा चावल शैम्पू में लेके आ जाऊंगी और रिचार्ज भी, आप यहाँ पे रुको। I'm sorry, इसे क्या हुआ पता नहीं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तरह तू दिल पे गिर रही है, ये दिल पे घर रहा मेरी दुनिया बदल रही। नमस्ते। ये अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये छोटू, मैं रिचार्ज लेने बाद में आती हूँ। नीलू, अब देखते हैं आगे क्या होता है। डेली रिचार्ज देना, इतना नाराज हो गई, तीन दिन से एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया, एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। छोटू, मेरे कजिन की शादी थी इसलिए हम दिल्ली गए थे, और आज इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आई तो है पर छोटू से बात कर रही है। कल शाम 5 बजे चर्च पे मिलना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पहली बारफ की तरह तू दिल पे गिर रही है, ये दिल पे घर रहा मेरी दुनिया बदल रही। तो आगे हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, मैं रिचार्ज लेने आऊंगी दुकान पे, और तुम्हें नहीं आना तो कोई बात नहीं, मैं छोटू को भेज दूंगा। तो हम मिलेंगे कैसे? वैसे जैसे आज मिले। मिल गया
डेली मिलेंगे तो प्यार तो होगा ही। टाटा स्काई का डेली रिचार्ज, जिस दिन टीवी देखो उसी दिन का रिचार्ज करो।